तो फ्रेंड्स अब फाइनली आ गए हैं लता मंगेशकर जी चौक पे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ही बड़ी वीणा, जो एक बजाने का इंस्ट्रूमेंट है, इंडियन इंस्ट्रूमेंट, वो यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे लता मंगेशकर जी के गाने हर समय चलते रहते हैं, तो अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, आप मेरे सामने देख सकते हो कितनी बड़ी वीणा ये, लेकिन कितना सुंदर लग रहा है। इस समय गानों की आवाज़ तो नहीं आ रही है, मगर जो है वैसे चलते रहते हैं यहाँ पे हर समय, तो कभी कभी शायद स्विच भी करते हैं इसलिए आवाज़ नहीं आ रही होगी। देखो फ्रेंड्स, लता मंगेशकर जी का जो चौक है उसके ठीक सामने हनुमान जी और राम जी की भी मूर्ति लगी हुई है, आप मेरे सामने देखो। तो ये कि जब भी देखा है तो यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तो हो सकता है किसी रीज़न के लिए, क्योंकि बंदर भी बहुत हैं यहाँ पे, तो शायद बंदर वगैरह इसको नुकसान ना पहुँचाए इसलिए ऐसा होगा। तो हनुमान जी तो अयोध्या में ना हो ऐसा कैसे हो सकता भाई, कितनी बढ़िया मूर्ति है देखो। और देखो आप, जब ये लता मंगेशकर जी के चौक की तरफ आप आओगे, मैं तो खैर दूसरे रास्ते से आया हूँ, बट ये जो पुल है, ये जो डेकोरेशन है, ये अभी रिसेंटली हुआ है। इससे पहले जब मैं आया था तो फिर मैंने ये देखा नहीं था यार, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया और बड़े पिलर्स हैं इसके ऊपर, पूरा ऐसे सूरज जैसा कुछ डिज़ाइन है और जय श्री राम लिखा हुआ है हर एक पिलर पर, बहुत ही सुंदर है यार। तो यार अभी ज़्यादा दिन मुझे यहाँ नहीं हुए आए हुए, लेकिन बाइक से जब मैंने ट्रिप करी थी उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया है, बहुत स्पीड में काम हुआ है। कई ऐसी जगह थी जो मैं पहले आया था मुझे याद ही नहीं था, क्योंकि इतना बदल चुका था, मतलब रोड्स वगैरह बन गई हैं, पेंटिंग वगैरह हो गई है और सजावट बहुत तरह की, काफ़ी जल्दी काम हुआ यार, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। तो अब चलते हैं यार राम जी की पैड़ी, वो भी आपने अगर नहीं देखा होगा तो देखो, सरयू रिवर है बहुत ही पवित्र, तो वहाँ वैसे बोटिंग भी होती है, वैसे मैं बोटिंग बहुत बार कर चुका हूँ, तो देखते हैं अभी हो रही है कि नहीं। मैंने जो पिछला वीडियो बनाए थे उसमें बोटिंग की थी मैंने, तो वो शो किया है,